जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, इस समय मौजूदा विश्व की हालात ये है कि रसिया यूक्रेन युद्ध में रसिया और अमेरिका सीधे तौर पे आमने सामने भिड़े हुए हैं और एक तरीके से इस युद्ध को वर्चस्व की लड़ाई कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में भारत ने चाइना को भी हैरान करके रख दिया है। दरअसल दोस्तों, चाइनीज मीडिया, चाइना की सरकार और चाइना के टॉप नॉच अधिकारी, यानी कि जितने भी उनकी सेना में बड़े बड़े कमांडर लेवल के अधिकारी है, वो सभी भारत के इस तरीके के अग्रेसिव बिहेवियर को देखते हुए सन्न पड़े हुए हैं। भारत इतनी ज्यादा पावरफुल कूटनीति कैसे दिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके के कारनामे भारत रसिया और अमेरिका से करवा रहा है, ये सभी देशों के लिए असंभव सी चीजें हैं। और इसी के साथ दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से अपनी मजबूत और अपने पावरफुल डिप्लोमेट शक्ति को दिखाया है। यही कारण है कि भारत की इस तरीके की क्षमताओं को देखते हुए दुश्मन देश दांतों तले उंगली दबा बैठे हैं। मित्रों, छोटी सी वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने की कोशिश रहेगी कि भारत ने ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया है जिससे कि चाइनीज नेवी काफी ज्यादा सदमे में आ गई है, और भारत ने ऐसा भी कौन सा हथियार की डील कर ली है। हालिया समय में एक खबर निकल कर आई थी जो कि वीडियो बना के भी मैंने आप सभी मित्रगणों को बताई थी कि भारत अमेरिका से एक एंटीशिप मिसाइल खरीदने वाला है। यानी कि दोस्तों, सीधा सा मतलब ये है, दुश्मन देश के जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर होते हैं, ऐसे युद्धपोतों को तबाह करने के लिए इस मिसाइल को खरीदा जाना था। वैसे भी भारत के पास कई सारे ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जितनी ज्यादा इस तरीके की मिसाइलों का काफिला भारत के पास हो उतना अच्छा है। और जैसा कि आप सभी मित्रगण जानते हैं, अमेरिका ने भी इस डील को लेकर हामी भर दी है, और इस पूरी डील की कीमत जो बताई जा रही है वो करीब $80 मिलियन के आसपास बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, इस मिसाइल का नाम आपको बताना चाहूंगा, इस मिसाइल का नाम है हार्पून एंटीशिप मिसाइल। दरअसल दोस्तों, ये हर तरीके के ऑल वेदर में काम करने में पूरी तरीके से सक्षम है, और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दुश्मन देशों के जहाजों को, यानी जंगी बेड़ों को तबाह करने में पूर्णतः सक्षम है। और इसके ठीक बाद दोस्तों, जो धमाकेदार खबर निकल कर सामने आई, दरअसल दोस्तों भारत रसिया से भी एक मिसाइल खरीदने वाला है, और ये भी एक एंटीशिप मिसाइल होने वाली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक रशियन ओरिजिन की मिसाइल होगी, इसका नाम होगा क्लूब एंटीशिप मिसाइल। और आपको बताना चाहूंगा, ये मिसाइल जो डील होने वाली है, इसकी जो लागत होने वाली है वो करीब $120 मिलियन होने वाली है। यानी कि दोस्तों, भारत दो विरोधी देशों से मिसाइलें खरीदने वाला है, और इस पूरी डील की कीमत करीब $200 मिलियन हो रही है। आपको बताना चाहूंगा, भारत जो रशिया से मिसाइल खरीद रहा है, इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, जो कि हार्पून मिसाइल से 20 किलोमीटर ज्यादा है। साथ ही दोस्तों, इस मिसाइल के साथ कई सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसे आप जमीन से लॉन्च कर सकते हैं, इसे आप शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं। इस मिसाइल को आप वर्कहोलिक मिसाइल भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये भारतीय नेवी की अटैक क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। लेकिन दोस्तों, ये जो सारा मुद्दा है, ये केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है। दरअसल दोस्तों, चाइनीज मीडिया और चाइना की सरकार इस बात से परेशान है कि भारत ने अमेरिका से मिसाइल मांगी, तो अमेरिका ने भारत की एक बार कहने पे उसे मिसाइल दे दी। भारत ने रसिया से मिसाइल मांगी, तो रसिया ने भारत के एक इशारे पे भारत को मिसाइल दे दी, जिसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, ये विरोधी देश, यानी कि जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने फिरते हैं, भारत इन दोनों विरोधी देशों को अपने पाले में लाने में सक्षम हो गया है, जो कि भारत की मजबूत कूटनीति और मजबूत डिप्लोमेट को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर देश या तो यूरोपीय देशों के, यानी अमेरिका वगैरह के हथियार यूज करते हैं, या फिर रशियन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में भारत के पास दोहरा एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि हमेशा भारतीय सेनाओं के काम ही आएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे के अंदर आप सभी मित्रगणों की क्या राय है, क्या भारत ने ऐसा कर बहुत अच्छा फैसला लिया या फिर कुछ गलत किया, अपने अवेलेबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।